प्रचंडिका परीलोक के अंदर और उसे परीलोक के चारों तरफ बारे का सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसके कारण हम परीलोक के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। परीलोक के चार द्वार नहीं बल्कि पांच द्वार है, कि उस पांचवें द्वार तक पहुंचने के लिए बहुत ही खतरनाक रास्ते से गुजरना होगा। अभी जल्दी से एक गैजेट उस डांसर को लगा देता है। हाँ चिट्टू चल, वैसे भी मोंटू बॉस को डॉगी डांस करते करते उनकी हालत खराब हो गई होगी। हमने वो मोंटू बॉस का डॉगी डांस मिस कर दिया यार। बड़ा मजा आता है जब मोंटू बॉस डॉगी डांस करते हो गया तेरा? अरे वो तो अच्छा हुआ हम मोंटू बॉस के सामने नहीं था, वरना वो हमको मार मार के हमारा डांस निकाल देता। हाँ यार चिट्टू, ये तो सही बात बोलो तू। अब टाइम बचाने के लिए ये गैजेट तू ही ऑन कर ले और तू ही डांस करना शुरू कर दे। हम ऐसा ही करेगा, चल उधर। ओ गॉड मोंटू नहीं मोनिका, ओ डॉग मोंटू। मुझे मुक्का डांस भी आता है, दिखाओ। मोनिका सॉरी, मुझे अच्छा डांस आता है, पता नहीं क्या हो गया, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कल इससे भी अच्छी प्रैक्टिस करके आऊंगा। हाँ अरे चिट्टू, तेरे को जब बोला डांस करना शुरू कर दे तो करना डांस शुरू। अभी करता डांस शुरू। मोनिका वो क्या है ना, मैं तो बस ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था कल के लिए वार्म अप रिहर्सल। हाँ वो है वो। गैजेट गैजेट, अबे किधर है गैजेट, अबे ढूंढ। ये क्या किया तूने? गैजेट कैसे लाएंगे? मीना ने ये सोच कि मोंटू बॉस डांसर से बॉक्सर बन जाएगा। उड़ बाबा, सब गड़बड़ हो गया। चुप! साइलेंट हो जाओ वरना मोंटू आइलैंड हो जाएगा।
संभाल सके। दानव बहुत ही गुस्से में, ये हमें कभी भी पांचवे दौर तक नहीं पहुंचने देगा। अरे पांचवे दौर की छोड़ो, पहले ये सोचो कि हम यहाँ से जीवित भी जा पाएंगे या नहीं। सबकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। अगर मुझे इस दानव को हराना है तो मुझे इसकी कमजोरी को ढूंढना होगा। इसका मतलब इस दानव की कहानी इसकी शक्ति है और इसकी कमजोरी भी। इसलिए अगर इस दानव पर कोई शस्त्र काम करेगा तो वो है शोर। हे रानी परी, दो जीत का मंत्र आ जाए मेरे पास ध्वनि यंत्र। मुझे बहुत खतरनाक लगता है। अबे चल चिट्टू चल। डॉक्टर भैया माइंटे, ये क्या कर रहे हो? अरे रुक क्यों गए? अरे कंटिन्यू। वाह वाह बॉक्सर भैया, हमें ना वो चाहिए, वो क्या किशोर चाहिए? अभी देता हूँ। पता नहीं बेवकूफ उस गैजेट से क्या किए जा रहे हैं। ऐसे मोनिका इंप्रेस होने के बजाय डिप्रेस हो जाएगी। सर, मोंटू ने आपकी दोनों आंखें काली कर दी। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। रोहित, काशिक, चल। अरे चलो। मंडल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मंडल। सॉरी सर। मेरा सोचना सही था, इसके कान ही इसकी कमजोरी है और इसीलिए अब मैं सीधा इसके कान पर ही वार करूंगा। Ah!
बालमित्र उठो, आंखें खोलो बालमित्र, बालमित्र होश में आओ। ये दाना तो हमारे पास गिर रहा है बालमित्र। तुम्हें इस दानों को अपनी शक्ति से स्थिर करना होगा। जैसे तैसे बच गए बालवीर, लेकिन आगे कौन सी मुसीबत मिलेगी ये हम कह नहीं सकते। मुसीबत चाहे कितने भी बड़े क्यों ना, लेकिन हम तीनों उसका डटकर सामना करेंगे और परीलोक में प्रवेश करके ही रहेंगे। शेर मंटू की शरारतें बढ़ती जा रही है सर। ये तो पूरा स्कूल जानता है, कोई नई बात बताइए। हसमत पर सर इस बार तो इसने हद कर दी सर। ये देखिए। नहीं सर ऐसा नहीं है। नहीं है मतलब ये तुम्हारी हद नहीं है, तुम्हारी शरारत और बढ़ेगी, मतलब तुम मुझे और मारोगे। नहीं सर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था सर? मेरा मतलब तो ये है सर, मैं ना मोनिका को मोनिका का नाम बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सर से माफी मांगनी चाहिए। नहीं 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 सर, माफी वाफी से कुछ नहीं होने वाला, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए सर। सर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं ये कैसे हो गया, वरना मैं तो एक मोटा सा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ सर। छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मोंटू। हाँ सर शट अप। आजकल मुझे तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आने लगी है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। बेचारे मोंटू बॉस का इम्प्रेशन बॉक्सर बन के मोनिका के सामने तो एकदम खराब हो गया होगा। हाँ तो हम दोबारा ठीक कर देता है, हम इस गैजेट को वापस डांसर पर लगा देता है। डांसर भैया अब ये गैजेट आप फिर से लगा लीजिए। हाँ इस बार एकदम तड़कते भड़कते गाने पे डांस करना। हाँ मजा आएगा मोंटू बॉस को। सर सच्ची मैंने जानबूझकर नहीं किया सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहता हूँ। सर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं गाकर सुनाता हूँ। What? गाकर समझाता हूँ। माइंड शट अप, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे इस बार के लिए माफ कर दीजिए, वरना मुझे मेरे पापा को बुलाना पड़ेगा। हुँ? जो स्कूल के ट्रस्टी है अभी बुलाते। नहीं 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 बेटा, नो पापा नो पापा। पर सर ये अरे नो पापा यार, नो पापा नो पापा। हाँ गुड बॉय गुड बॉय। देखो देखो इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ हाँ, लेकिन अगली बार से सर की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। ओके ओके सर, नहीं कंप्लेंट आएगी। देखो कितना प्यारा कितना क्यूट बच्चा है ना। प्यारा है प्यारा बच्चा है हाँ।
ये द्वार तो बिल्कुल परीलोक के पुराने द्वारों जैसा है, यानी परीलोक में प्रवेश करने का यही पांचवा द्वार है। तो फिर देर किस बात की बारवी, चलो जल्दी से प्रवेश करते हैं परीलोक में। सच्चाई और अच्छाई के मजबूत इरादों की उड़ान बड़े से बड़े खाई को पार कर सकती है। हाँ, अगर हम इसे चलकर नहीं तो उड़कर इस खाई को पार करेंगे। बालवीर, हम तो उड़ नहीं पा रहे हैं। लगता है हमारी जादुई शक्ति यहाँ पर काम नहीं कर रही है, और इसलिए यहाँ पर ये खाई बनाई गई है ताकि हम पांचवें द्वार तक ना पहुंच पाए। तो अब हम पांचवें द्वार तक कैसे पहुंचेंगे बालवीर? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।